सब्सक्राइब करिए आरके लर्निंग स्टडी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आरके लर्निंग स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में देखेंगे हेल्थ से रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा उस पर आपको टच कर देना और बगल में बेल आइकन को भी यहाँ रखें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, मनुष्य का हृदय 24 घंटे में कितनी बार धड़कता है? आपको 3 सेकंड मिलता है, मैं उसके बाद इसका राइट आंसर बता दूंगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 10,03,680। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको कहा जाता है कार्डियोलॉजी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सीएन बर्नार्ड ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग किसने शुरू किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माइकल दी वाइकी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हृदय को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हृदय का क्या काम है? तो दोस्तों हृदय का काम है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लबडब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हृदय। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.8 सेकेंड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, समान वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा लगभग 300 ग्राम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है 4। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? तो दोस्तों मानव हृदय में होते हैं 11 वाल्व। राइट आंसर हो जाएगा 4। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रति सेकेंड 70 से 80 बार। अगला प्रश्न है, एक मिनट में मनुष्य का हृदय सामान्यतः कितनी बार धड़कता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 72 बार। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय के कपाट यानी वाल्व लगभग कितनी बार खुलते हैं और बंद होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मनुष्यों में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? तो दोस्तों मनुष्यों में रक्तचाप होता है 120/80। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा धमनियों के। अगला प्रश्न है, रक्तदाब यानी निम्नलिखित में से किसमें उच्च होता है? तो दोस्तों रक्तदाब उच्च होता है नीला में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, रक्तदाब का नियंत्रक कौन करता है? तो दोस्तों रक्तदाब का नियंत्रक करता है एड्रेनल ग्रंथि यानी अधर बेग का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है हृदय की धड़कन की गति किससे बढ़ती है, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अनुकंपित तंत्रिका से, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कौन मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है, तो सही आंसर हो जाएगा फेफड़े की धमनियां, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा फुफ्फुस शिरा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को क्या कहा जाता है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा फुफ्फुस शिरा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन ऑक्सीजन रहित मानव शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न भागों से हृदय में लाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा नसें, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मानव हृदय का दाहिना भाग किस प्रकार का रक्त प्राप्त करता है, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अशुद्ध रक्त, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कौन से अंग से पेसमेकर संबंधित है, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हृदय से, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पेसमेकर का क्या कार्य है, तो दोस्तों पेसमेकर का कार्य दिल की धड़कन प्रारंभ करना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है, तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा एस ए नोड, ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हृदय की मर्मर किस कारण होती है, यानी हार्ट, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा चयवन वाल्व द्वारा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दिल की फुसफुसाहट यानी मर्मर से क्या पता चलता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोषपूर्ण कपाट, इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मानव हृदय किस में बंद होता है, तो दोस्तों मानव हृदय बंद होता है हृदय वारण वारण में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हृदय किस पेशी से वंचित होते हैं, तो दोस्तों हृदय पेशी से वंचित होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऐसिक पेशी से, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जब मानव हृदय में बाएं नीलय का संकुचन होता है तो रक्त किसकी तरफ जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा महाधमनी की तरफ जाता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, स्वस्थ हृदय के लिए व्यक्ति को लेना होता है संतुलित आहार, पर्याप्त निद्रा और क्या, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम करना होता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रूमैटिक हृदय रोग का इलाज किस किस मदद से किया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्पिरिन की मदद से, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, दिल का दौरा किस कारण होता है, तो दोस्तों दिल का दौरा होता है हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी से, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किसका हृदय शिरारिक्त होता है, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य यानी मछलियों का, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य शंभु का वसा एक सिलसिले पदार्थ का स्त्राव करता है जिसका हृदय प्रत्यारोपण में प्रयोग किया जा सकता है, इस पदार्थ में मौजूद यह विलक्षण रासायनिक यौगिक क्या है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डाइहाइड्रोक्साइड फिनाइल एलेनिन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं लेता है, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हृदय, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये था 40 क्वेश्चन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हार्ट यानी हृदय से रिलेटेड क्वेश्चन था, जितना कवर हुआ मैंने किया, आप लोग इसका रिवाइज कीजिए और एग्जाम से पहले ज़रूर एक बार वीडियो देखकर जाया करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।